हेलो नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर के 6 लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इन्वायरमेंट का जो करंट अफेयर है प्रीलिम्स 2018 के लिए उसको रिवाइज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेनली हम अप्रोक्सीमेट अक्टूबर महीने के आसपास अभी तक पहुँच गए हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल आया है वो आया है नीला कुरंजी सिरप के बारे में, नीला कुरंजी झाड़ियाँ हैं उनके बारे में। ये जो झाड़ियाँ ये वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं और ये मेनली इंडेमिक है, काफ़ी स्पेशल। क्यों? क्योंकि बात ऐसी है कि नीला कुरंजी जो झाड़ी है ना, इनको एक्चुअली 12 साल में एक बार ही फूल आते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार मतलब 2018 का जो साल है इस फूल आएंगे, तो इसलिए न्यूज़ में। तो आपको ध्यान रखना है कि नीला कुरंजी सिरप वो कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में नॉर्मली पाए जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेस्टर्न घाट के अलावा ऐसे जो सेवाराय हिल हैं जो कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है वहां भी ये देखी गई है। तो ये चीज आपको थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ईस्टर्न घाट में भी कुछ पाई थोड़ी बहुत है वो पाई गई है, तो मेनली साउथ वाले एरिया के लिए एंडेमिक हो जाती है। इसके साथ अगली बात ये है कि यह ट्रॉपिकल जो माउंटेन फॉरेस्ट है ये है, क्योंकि इनकी जो ये जो हाइट है ये पाए जाते हैं 1300 मीटर से 2400 मीटर की जो हाइट है उस वाले एरिया में नीला कुरंजी सिरप झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आपको फोटो दिखाता हूँ कुछ इस तरीके की होती हैं, ऐसे कुछ इनकी फोटोज़ वगैरह हैं, गूगल से मिली है। अब देखते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो है रेड सेंडर के बारे में। रेड सेंडर है क्या भाई, देख लेते हैं इसके बारे में। तो आपको एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होता है, सेंडर का मतलब होता है चंदन। तो आप ये मत सोचना कि जो चंदन होता है उसमें स्मेल आती है, उसी तरह का ये भी कोई होगा। ये सेंडर बिल्कुल अलग है चंदन की तरह, जो नॉर्मल अपना चंदन होता है वो। ये जो रेड सेंडर की जो लकड़ी होती है ना, ये एक्चुअली अपनी जो इसका रंग है ना वो लाल, काफ़ी बहुत ज़्यादा रिच लाल कलर होता है, इसलिए पॉपुलर होती है। और इसकी डिमांड है वो मेनली चाइना में बहुत ज़्यादा होती है। यह चाइना इसको काफ़ी तरह स्मगलिंग वगैरह भी की जाती है वहाँ पे इंडिया से, और यह इंडिया में पाई जाती है, इंडेमिक स्पीसीज है। तो ये हमें ध्यान रखनी है, साउथ ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, इंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में। तो ये कुछ 2-3 लाइन आप ऐसे कैसे याद कर लेना, UPSC रेड सेंडर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ भी चुके, वापस पूछ लेगी, क्योंकि ये हर साल न्यूज में रहता है। काफी इसकी स्मगलिंग है वो होती है इंडिया से भूटान वाले रास्ते से होते हुए चाइना के एरिया में। बस है क्यों, ये ध्यान रखना कि नॉर्मल जो चंदन होता है ना उससे लगा इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है, यह केवल और केवल अपने जो गहरा लाल रंग होता है उसके लिए पॉपुलर होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो है ट्यूनी लार्क के बारे में। ट्यूनी लार्क है, यह एक तरह का पक्षी है, चलो इसकी भी फोटो दिखा दे। ये इस तरह का जो पक्षी है जो कि अपने नॉर्थ एरिया में, आई होप आपने काफी देखा होगा, जिसे नोनियम चिड़िया के नाम से जानते हैं। तो इसको लेके है आर्टिकल आया है क्या, इसमें जो ट्यूनी लार्क में जो मेल होता है ना, जो मतलब नर होता है, वो एक्चुअली 36 तरह की जो आवाज़ें हैं ना वो निकाल सकता है, मतलब 36 तरह की जो पक्षी है ना उनकी मिमिक्री वगैरह कर सकता है। तो इसलिए है न्यूज़ में था। और इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, यह मेनली वेस्ट सेंट्रल एशिया वाले हिस्से में ही पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे ग्रासलैंड है उस वाले हिस्से में पाया जाता है। आजकल कंटेक्स्ट एक ये भी चल रहा है कि देखो आजकल आपको पता है ग्रासलैंड है वो लगातार खत्म होते जा रहे हैं, तो इसलिए इनका आवाज़ है वो बिछड़ता जा रहा है, इसलिए इनकी संख्या में कमी है वो आती जा रही है। तो मेनली राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब हो गए, पंजाब वाला एरिया हो गया, इसके साथ में जो ही MP हो गया, महाराष्ट्र वाले हो गए, इस वाले हिस्से में नॉर्मली ये ज़्यादा है वो पाए जाते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो आया है सिक्योर हिमालय के बारे में। सिक्योर हिमालय है, यह मेनली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारे देश की पर्यावरण मंत्रालय, उसके दोनों ने मिलकर सिक्योर हिमालय कैंपेन चलाया है। क्या इस कैंपेन में, इसलिए ये है कि भाई जो हिमालय वाले एरिया में जो इकोसिस्टम है ना उसका कंजर्वेशन किया जा सके, चाहे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात हो, या वहाँ पे पक्षी हो, या पे जो पेड़ पौधे हो, उन सबको कंजर्वेशन रखना, उन बायोडाइवर्सिटी का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल उसको काफ़ी नुकसान है वो होते जा रहा है। कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल हैं, इसमें पहला स्टेट आता है वो होता है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम। तो ये 4 स्टेट हैं इसमें, ये आप ध्यान रखना, इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है, इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है टर्टल सेंचुरी के बारे में। तो जो टर्टल सेंचुरी है वो इंडिया में इलाहाबाद में बनाई गई है, इलाहाबाद में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि गवर्नमेंट का एक मिशन था नमामि गंगे प्रोजेक्ट, और उस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ही टर्टल सेंचुरी वो बनाई गई है, ताकि वहाँ पर टर्टल्स वगैरह का आवास हो सिक्योर किया जा सके। और टर्टल है जो कछुए होते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी अहम रोल है वो निभाते हैं, समुद्र वगैरह को या वो जो नदी नाले हैं उनको साफ करने में भी इनका काफ़ी अहम रोल होता है, इसलिए उस वाले एरिया में टर्टल सेंचुरी वो बनाई जा रही है। किसके तहत बनाई जा रही है, यह बना रही है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर बनाई जा रही है, इलाहाबाद UP के तहत अंडरग्राउंड। अगला जो आर्टिकल है वो है न्यू हाउस लिजार्ड के बारे में। लिजार्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, एक तरीके से जो गिरगिट होता है उसकी
उसकी एक तरीके की प्रजाति है। तो न्यू हाउस जो गिरगिट है वो पाया गया है ईस्टर्न घाट में, उसको लेके आए। ईस्टर्न घाट में आपको बता दूं कि एक कांगेर घाटी नेशनल पार्क है जो काफी न्यूज में रहता है, वेरी वेरी पॉपुलर है। यह है मेनली छत्तीसगढ़ में, जो कि सुकमा वाला एरिया है ना, जहाँ पे अभी आतंकी वो एक्चुअली सीआरपीएफ के जवानों पर हमला वगैरह भी हुआ था काफी बार, जो कि मेनली वहाँ पे नक्सलवादी एरिया काफी सेंसिटिव वाला एरिया है। उस वाले एरिया में कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, वहाँ पे ही कांगेर घाटी है, और उस वाले एरिया में ही यह है जो न्यू हाउस लिजर्ड है यह पाया गया, जो कि ईस्टर्न घाट का एक पार्ट होता है। और है क्या, अगली बात यह है कि गोदावरी रिवर का जो बेसिन है, गोदावरी का जो कैचमेंट वाला एरिया ना, गोदावरी रिवर के जो पास वाला एरिया, उस वाले एरिया में कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, और जो गोदावरी रिवर है उसके पास वाले एरिया में ईस्टर्न घाट है, वहां पे मतलब ये है। अगला जो आर्टिकल है वो है अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व है, यह तेलंगाना में है, अभी न्यूज में था। अगली बात क्या है, देखो एक आपको पता है कि तेलंगाना से पहले वहां पे आंध्र प्रदेश ही स्टेट था, तो आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व था जिसका नाम है नागार्जुन सागर सिरिसेलम टाइगर रिजर्व। और जो नागार्जुन सिरिसेलम जो टाइगर रिजर्व है ना, ये आपको पता है जो ही तेलंगाना डिवाइड हुआ तो इसका कुछ हिस्सा तेलंगाना में आ गया, और उस हिस्से को बोला जाता है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो मेनली जो मतलब आप ये कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन सिरिसेलम टाइगर रिजर्व है ना, उसी का एक पार्ट है अमराबाद टाइगर रिजर्व, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसका नाम है बाद में ये रख दिया। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अगला जो आर्टिकल है वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था लास्ट ईयर, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इस आर्टिकल में यह है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, यह ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ दोनों मिलते हैं उस वाले एरिया में यह है। मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उस वाले एरिया में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे स्नो लेपर्ड, सॉरी स्नो लेपर्ड नहीं, नॉर्मल लेपर्ड वगैरह वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, टाइगर वगैरह भी पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एलिफेंट वगैरह भी यहाँ पे हैं, और ये मेरे नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसी का एक हिस्सा है। देखो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये मेनली तमिलनाडु केरला और कर्नाटक वाला जो है इस वाले में काफी फैला हुआ, और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी स्पीसीज पाई जाती है, काफी नेशनल पार्क वगैरह यहाँ पे हैं। तो ये एरिया आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है वो है सीएमएस के बारे में। ये क्या है, ये है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर हैं, उनको एक्चुअली जब भी वो माइग्रेट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह आवास प्रवास होता है उनका, तो उस टाइम पे उनको कंजर्वेशन करना, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो इधर उधर घूमने के चक्कर में सारी है विलुप्त हो जाएं। इसलिए एक आती है यहाँ पे बोन कन्वेंशन, और इसके साथ आती है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बोन कन्वेंशन के तहत ही जो एक तरीके से सीएमएस है या आया था, या ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पे बोन कन्वेंशन के टाइम पे, उसके दौरान ये सीएमएस मतलब कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल है ही आए। अब है क्या, यह एक्चुअली एक इन्वायरमेंट की ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत है, मतलब यूएन की स्पेशल एजेंसी है ना यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसी की एक इन्वायरमेंट की ट्रीटी है जिसका काम क्या है कि जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज होती है ना, जो भी प्रवास वगैरह जैसे कि इधर से उधर मूव करती हैं, जैसे साइबेरियन सार्स वगैरह उस तरीके की, उनका कंजर्वेशन है उसके लिए स्टेप उठाती है कि भाई माइग्रेट होने के टाइम पे ऐसा नहीं हो कि वो खत्म हो जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इसका मेंबर है और चाइना वैसा भी इसके बिल्कुल भी मेंबर दूर दूर तक नहीं है। अगला कंटेक्स्ट क्यों था, कंटेक्स्ट ये था कि भाई इस बार 2017 में जो मीटिंग हुई थी वो मनीला में हुई थी। मनीला कहाँ पे है, मनीला है फिलीपींस के कैपिटल, वहाँ पे हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 12वीं मीटिंग हुई थी। तो ये चीज़ कंटेक्स्ट था। तो आपको ये ध्यान रखें कि सीएमएस है क्या, बोन कन्वेंशन के बारे में हमने देख लिया, माइग्रेटरी स्पीसीज चाइना मेंबर नहीं है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत ये बनी थी। आगे देखते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो है यूएनआईएसडीआर के बारे में। यूएनआईएसडीआर रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में क्या गया था, इस रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि भाई देखो अगर पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी डिजास्टर आते हैं ना मैक्सिमली, तो इंडिया के लोग ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। मतलब डिजास्टर प्रोन एरिया है ना इंडिया, वो काफ़ी ज़्यादा, और इंडिया है वो वर्ल्ड मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री है। मतलब इंडिया में कोई भी डिजास्टर आता है ना, तो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो प्रभावित होते हैं यहाँ पे। मतलब काफ़ी सारे लोग वो माइग्रेट होते हैं। ये कंटेक्स्ट है इसका कि इंडिया में अगर कहीं भी फ्यूचर में जैसे किसी सेम तरह का डिजास्टर किसी दो कंट्री में आ रहा है, तो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इंडिया में एक्चुअली लोग भी रहते हैं इसी तरीके से। तो इसलिए ये रिपोर्ट में ये बात की गई थी। तो बस आपको ध्यान रखना कि यूएनआईएसडीआर रिपोर्ट क्या है, और पिछले यूएन से तो रिलेटेड यूएन ऑफिस के द्वारा रिपोर्ट है। अगला जो आर्टिकल है वो है पेट स्कीम के बारे में। तो भाई देख लेते हैं पेट स्कीम। पेट स्कीम का मतलब है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है ना, उसके अंदर की डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और उस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो डिपार्टमेंट है ना, उसके तहत एक नेशनल मिशन चलाया गया है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, एनएमईई
NMEEE, इसका मेन मोटो यही इस NMEEE का कि भाई एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब हमें एनर्जी का कंजर्वेशन करना है और हमें जितनी एनर्जी है उतनी, मतलब जितनी एनर्जी की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, ऐसा नहीं कि हम फालतू में लाइट है वो वेस्ट करें। तो उसके तहत ये प्रोग्राम चलाया गया है, इसमें एनर्जी सेविंग के ऊपर फोकस किया जाता है और ये बात की जाती है कि भाई जो अगर आप एक्स्ट्रा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो कोई भी इंडस्ट्री वगैरह को, तो उसको उस पर हेवी टैक्स वगैरह लगाया जाता है। और एक तरीके से जो कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह होती है वो कार्बन का जो भी उसके निर्धारित, देखो आपको एक चीज बताऊं, कोई भी जैसे कोई कंपनी या कुछ भी लग रहा है रिफाइनरी वगैरह, तो गवर्नमेंट उसको क्लियर गाइडलाइन देती है कि भाई आप कार्बन का इतना ही एमिशन कर सकते हो एक साल में, ये आपके लिए लिमिट है। बट अगर वो कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूट है अगर वो कार्बन को उस मात्रा से ज्यादा उत्सर्जित करती है, तो उस कंडीशन में उसको फाइन देना होता है और गवर्नमेंट उससे फाइन वसूलती है, जिसको हम कार्बन क्रेडिट रेटिंग, कार्बन क्रेडिट के बारे में भी हम जानते पड़ा है। अब बात ऐसी कि कई कंपनी ऐसी भी होती हैं जो कि एनर्जी को काफी प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करती हैं कि वो एनर्जी को बचा लेती है, मतलब जितनी जैसे उनकी लिमिट होती है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूट है उसकी लिमिट है कि भाई वो एक साल में 100 किलो ही कार्बन का उत्सर्जन कर सकती है। बट अगर वहीं उसने 80 किलो ही कार्बन का उत्सर्जन किया, मतलब उसने 20 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन है उसको बचा लिया, और वो उस 20 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन को किसी दूसरी कंपनी को बेच के उससे पैसे ले सकती है कि भाई आप ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो तो आप 20 के पैसे मेरे को दे दो। तो ये होता है, इस तरीके से इंटेंसिव वगैरह गवर्नमेंट उसको देती है, मतलब हमें लाइट वगैरह को, एनर्जी को बचाना है। अगला देखते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो है पेट कार्बन के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि भाई पेट कार्बन को दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, लोगों को काफी बीमारियां, अस्थमा वगैरह की समस्या बढ़ती जा रही है। पेट कार्बन है क्या? पेट कार्बन जैसे जो पेट, देखो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको बनाने के लिए आपको पता है कि जो क्रूड ऑयल होता है उसका यूज किया जाता है। तो क्रूड ऑयल से जब पेट्रोलियम, जब मतलब पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन वगैरह सब बना लिया जाता है, तो उस टाइम बाद में जो कचरा बचता है ना नीचे गाढ़ा सा काले रंग का ऐसा कुछ होता है, वो उसको बोलते हैं पेट कार्बन। और एक्चुअली उसमें कार्बन है वो 90% होता है, मतलब उसमें काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन होता है, एक तरीके से सॉलिड मटेरियल सा होता है वो। और उसका एक्चुअली जो यूज है ना वो कई इंडस्ट्री वगैरह ना वो उसको जला के एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करती है, बट उससे नुकसान काफी ये होता है कि भाई भारी मात्रा में कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है तो पोल्यूशन होता है, तो इसलिए दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में बंद कर दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो पेट कार्बन होता है ना इसके अंतर्गत एक्चुअली वेनेडियम नाम का एक टॉक्सिक मेटल है जो पाया जाता है, जो कि काफी जहरीला होता है और जो कि मतलब लोगों की जान वगैरह ले लेता है। तो ये चीज भी आपको बताना कि वेनेडियम जो टॉक्सिक मेटल होता है, जहरीला तत्व है, यह पेट कार्बन के अंदर काफी मात्रा में पाया जाता है, तो इससे गंभीर समस्या हो सकती है। अगला आर्टिकल है वो है WMO के बारे में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की स्पेशल एजेंसी है, इंडिया इसका बिल्कुल मेंबर है और यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात क्या है, काम इसका यह है कि भाई जो क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेट के संबंध में काम करना, इसके साथ ही ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड यह डील है वो करती है, मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से सारे काम के द्वारा डील किए जाते हैं। इसके साथ ही बात यह है कि WMO की एक प्रोग्राम था जिसका नाम है ग्लोबल एटमोसफेयर वॉच प्रोग्राम। तो ग्लोबल एटमोसफेयर वॉच प्रोग्राम है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, और उससे ये पता चला है कि भाई हमारे पूरे अर्थ के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना इसके लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे कि लास्ट ईयर 400 किलोग्राम कार्बन का उत्सर्जन हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो अभी इस साल देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 500 हो रहा है हर साल, मतलब कार्बन का उत्सर्जन वो लिमिट है वो बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे एटमोसफेयर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये इस रिपोर्ट के तहत या इस प्रोग्राम के तहत हमें पता चला है। तो ये तो थी देखो हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।